अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात 10th मैट्रिक के एग्ज़ाम की डेट शीट जो है वो जारी हो चुकी है। तो अब 10th क्लास के तलबा जो हैं उनको भरपूर तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए आज की वीडियो में हम उर्दू मॉडल पेपर जो है 10th क्लास उसका मारूजी तर्ज का जो पेपर है वो शेयर कर रहे हैं, हल शुदा पेपर। एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि आप वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हौसला अफज़ाई हो और चैनल को जो है वो ग्रोथ मिले और ऑटोमेटिक जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पेपर को देखते हैं। मारूजी तर्ज का पेपर है जी, इसका वक्त 20 मिनट होगा और कुल नंबर इसके 15 होंगे। नाम, रोल नंबर और हिंसों में रोल नंबर और हिंसों में और लफ्ज़ों में, यानी ये आप सब जानते हैं, इससे पहले भी आपको गाइड किया जा चुका है और हदायात जो हैं वो भी आपको पहले से बताई जा चुकी हैं, वो सेम ही होती हैं। तो सवाल नंबर एक में ज़ात बारी ताला की शान नज़र आती है, चार जवाब हैं, उसमें से आपने एक दुरुस्त है वो आपने बताना है। इन सब में जुज डी जो है वो दुरुस्त जवाब है। तो इसी तरह से ये है, मुसन्नफ़ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की बुनियादें बताईं, बी जुज इसका दुरुस्त है दो। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे है ये, गदला पानी पौधों के लिए था, ये बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में इसे शामिल किया गया है। एमसीक्यूज ये जो हैं इनमें से, साथ साथ आपको ये भी आगाह किया जा रहा है कि ये किस किस साल में कौन कौन से बोर्ड में ये जो है सवाल शामिल था। तो इसका गदला पानी पौधों के लिए था, इसका जवाब है आबे हयात। और उसके बाद मुसन्नफ़ काम के सिलसिले में कहाँ गए थे, लाहौर। शायर ने फातिमा को हूर कहा है, सहराई, इसका जवाब है सहराई। गुनहगार से एक हो गई है, इसका जवाब खता। भूल जाता हूँ मैं डैश खाली, खाली जगह में आएगा इस के, यानी चार जो जवाब हैं और इसमें से बी जूस जो है सितम ये दुरुस्त है। आगे लकब किस्म है इसमें इलम की, यानी जूस नंबर डी इसका जवाब है। आगे देखें, साएं साएं ग्रामर की रो से है और ये इसका जवाब बी जूस है इसमें सौत। आगे तावुन का दुरुस्त तलफ़ है तावुन, यानी ये ज़ेर ज़बर तलफ़ जो होता है ज़ेर और ज़बर पेश के साथ बनता है, तो ये बी जूस जो है इसका दुरुस्त जवाब है। शफा खाना ग्रामर की रूह से है, ज़र्फ़ मकां बी जूस। आगे है नफासत का दुरुस्त तलफ़ लिखें, ये भी आपको यानी ज़ेर ज़बर के साथ इसका नफासत बनाना है और यह जूज़ नंबर ए दुरुस्त है। भरपूर तरीके से तैयारी रखनी है आपने अपने एग्ज़ामों के लिए, बिल्कुल कोई भी वक्त को ज़ाया नहीं करना है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और गौर से, हमने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके और चैनल पेज पे जाके आप तलाश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और भरपूर रहनुमाई जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अच्छे से जब आपके पेपर्स की तैयारी होगी, और ये एमसीक्यूज़ में मुफ्त के नंबर होते हैं अगर आपकी तैयारी हो तो आपने तैयारी करनी है ताकि इसमें कुछ भी कोताही वाला मामला ना हो। तो ये जो मैंने आपको पेपर शेयर किया है, मॉडल पेपर है ये, यानी ये किसी भी साल का पेपर नहीं है बल्कि पिछले 8-10 सालों के एग्ज़ाम जो हैं बोर्ड के
उनको देख के उनमें शामिल जो रहे हैं मुश्तरक जो सवालात हैं उनको इस पेपर में जो है शामिल करके आपको आगाह किया जा रहा है, ताकि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो कोई मज़ायका नहीं, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसमें से बाज़ुकात 50% भी इसमें से आ जाता है, बाज़ुकात 30% भी इसमें से आ जाता है। तो लिहाजा आपको अपनी तैयारी जो है वो करनी है इंशाल्लाह। ये रूटीन वाइज जो है आपको मॉडल पेपर जो हैं वो उसकी वीडियो मैं अपलोड करता जाऊंगा, ताकि ये आपके लिए चंद वीडियो मॉडल्स पेपर की हो जाएं और आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सबक के साथ, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। खूब तैयारी करें, अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। अल्लाह हाफिज़।